बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनके 6 न्यूज से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। वजीर आजम के मामा ने खसूसी अता तारड़ की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर छापा। पुलिस ने अपने बयान में बताया कि छापे के वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ घर पर मौजूद नहीं थे। इस हवाले से अता तारड़ ने भी सोशल मीडिया पर जारी बयान में वजीर दाखिला पंजाब को मुखातिब करते हुए कहा कि हाशिम डोगर साहब, मेरा ख्याल था आप वजीर हैं, लेकिन आप तो इंतहाई गैर संजीदा किरदार निकले। अता तारड़ ने मजीद कहा कि जिस घर में 15 साल पहले रहता था, वहां पुलिस भेजकर क्या साबित करना चाहते हैं? ये हाल है आपका, खाक वजरत चलानी है आपने। आन खसूसी वजीर आजम ने मजीद लिखा कि मुल्क दुश्मन बयानी के दफा में इतना आगे ना जाए। FIA ने इमरान खान से रिकॉर्ड तलब कर लिया। FIA इस्लामाबाद जोन की डिप्टी डायरेक्टर की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सेक्रेटरी जनरल को लिखे गए खत में कहा गया कि पार्टी के कयाम से लेकर अब तक वसूल की गई मेंबरशिप फीस का रिकॉर्ड फ्राहम किया जाए। खत में ये भी लिखा गया कि इन तमाम कौमी बैन अल-अक़वामी कंपनियों, कारोबारी इदारों और शख्सियात का रिकॉर्ड फ्राहम करें जिन्होंने पार्टी की मदद की। नेज मुख्तलिफ ममालिक की कंपनियों और कारोबारी इदारों से वसूल रकम की अलग अलग तफसील फ्राहम की जाए। और इधर शहबाज गिल ने जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। शहबाज गिल की जानिब से सेशन कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया कि हुकूमत ने PTI के साथ हिसाब बराबर करने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज किया। तफ्तीश में पुलिस शहबाज गिल पर कोई इल्जामात साबित ना कर सकी। दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया कि सियासी मकासद के हसूल के लिए झूठी FIR दर्ज की गई, लिहाजा जमानत बाद अर्ज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर की जाए। इमरान खान ने शहबाज गिल की बगावत पर मबनी बयान से लातालुकी इख्तियार कर ली। इमरान खान ने जुमे को सहाफियों और शोबिज शख्सियात से गुफ्तगू की। इस मौके पर वीडियो लिंक पर तर्सियाकार अदर कासमी भी मौजूद थे। इमरान खान ने कहा कि एक TV चैनल पर शहबाज गिल की गुफ्तगू में एक जुमला काबिले एतराज था, शहबाज गिल को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पुलिस ने 9 अगस्त को शहबाज गिल को बगावत के मुकदमे में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद के थाना कोहसार में शहबाज गिल के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट की मदयत में बगावत का मुकदमा दर्ज है। पाकिस्तान में कोरोना की शरह 3.5% रिकॉर्ड हुई, मजीद 3 अमवात हो गई। अक्वामी इदारा बराए सेहत NIH की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के मुस्बित केसेस की शरह 3.59% तक जा पहुंची, जबकि वबा में मुबतला मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के 20,272 टेस्ट किए गए, जिनमें से 728 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। तहम वायरस में मुब्तला 161 अफराद की हालत अब भी तशवीशनाक बताई जाती है। खबर शामिल करते हैं सवात से। ब्यूरो चीफ शेर अली खान की रिपोर्ट के मुताबिक सवात की तहसील कबल और तहसील खोजा खैला में सिविल सोसाइटी के हजारों अफराद ने अमन मार्च किया। अमन मार्च करने का मकसद सवात और मालाकंड डिवीजन में अमन बहाल रखने के लिए इदारों, सूबाई और मरकजी हुकूमतों यादश्त दिलाना था कि मालाकंड डिवीजन और बलखसूस सवात अब भी जख्मों से चूर है और मजीद किसी हादसे का मुतहम्मल नहीं हो सकता। रवां हफ्ते रोनमा होने वाले वाकयात सवात के अवाम के जहनों में कई सवाल जन्म ले रहे हैं। अमन मार्च में हजारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। सिविल सोसाइटी के अफराद ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर वतन को अमन दो, सवात अमन दो, पख्तूनख्वा को अमन दो के नारे दर्ज थे। मुकर्ररीन ने इदारों और सूबाई मरकजी हुकूमतों से डिवीजन और सवात में अमन बहाल रखने की पुरजोर मुतालबा किया। याद रहे कि सवात के इस 2 तहसीलों अमन मार्च के लिए मुकर्रर किया गया, जिसमें आज तारीखी अमन मार्च किया गया। एक और खबर है सवात से। मदीन के ब्यूरो चीफ शेर अली खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह सवात मदीन में भी 14 अगस्त की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मदीन बाजार में जश्न आजादी के सिलसिले में स्टॉल सज गए। स्टॉल पर कौमी तराने, मिली नगमों ने 14 अगस्त से पहले 14 अगस्त बना दिया। स्कूल के बच्चों और नौजवानों का अगस्त के लिए सजाई गई स्टॉल पर रश देखा जाता है, तो दूसरी जानिब स्कूलों, बाजारों, मार्केट समेत सरकारी इमारतों को सजाने और सवात की आवाम मसरूफ है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए NK6 न्यूज़।